नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ज्योतिष चक्र में। मैं आचार्य पवन तिवारी अपने ज्योतिष सेवा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं और विशेष चर्चा करेंगे उस कार्यक्रम को लेकर के। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के अस्त होने को लेकर के, जो कि 4 जनवरी को अस्त हो रहे हैं। किसी भी ग्रह की अस्त अवस्था उस समय आती है जब कोई भी ग्रह सूर्य के साथ युति करते हुए किसी विशेष राशि में पहुंचता है। सूर्य के प्रभाव से उस ग्रह की चमक फीकी पड़ जाती है। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो शुक्र ग्रह के मुख्य कारकत्वों में कमी आ जाती है और वो शक्ति विहीन हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। 4 जनवरी 2022 को शुक्र धनु राशि में अस्त हो रहे हैं और इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा, जातकों पर। हां, विशेष रूप से 3 राशियों के लिए यह फलदायी भी साबित होगा। ये जो शुक्र अस्त की स्थिति है 3 राशियों के लिए, और 14 जनवरी तक इसी स्थिति में शुक्रदेव रहेंगे। गुरु द्वारा शासित धनु राशि, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति होता है, 4 जनवरी 2022 को सुबह 7:44 पर शुक्र अस्त की अवधि प्रारंभ होगी और इस अवस्था में 10 दिन तक यानी 14 जनवरी की सुबह 5:29 तक शुक्र रहेंगे। धनु राशि में शुक्र अस्त होकर सूर्य के करीब पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से प्रेमी जातकों के जीवन में उथल पुथल रहेगी। साथ ही विवाह के बंधन में बंधना आदि जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ये अवधि अनुकूल नहीं होती है। वही शुक्र की यह अवस्था सभी 12 राशियों के जातकों को प्रभावित करेगी। ज्योतिष के अनुसार इन 9 राशियों को शुक्र की इस अवस्था के दौरान सतर्क रहना चाहिए। तो आइए आज हम जानते हैं कि शक्ति विहीन शुक्र आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे। बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातक कैरियर के लिहाज से भी कार्यक्षेत्र पर काम का दबाव होगा और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सही प्रशंसा नहीं मिलेगी, जिससे आप काफी असंतुष्ट होंगे। वहीं व्यापार कर रहे जातकों को भी शुक्रदेव अपने बिजनेस पार्टनर के साथ व्यावसायिक संबंधों से जुड़े कुछ कष्ट देने के योग बनाएंगे। वृषभ राशि के जातकों, इस अवधि में कार्यक्षेत्र पर आपको अपने वरिष्ठ लोगों के साथ संबंधों में कष्ट होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसके चलते आपको उनका सहयोग न मिलने से काफी परेशानी होगी। जो जातक व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए भी परिस्थितियां अधिक अनुकूल रहने के संकेत नहीं है। मिथुन राशि के जातकों, शुक्र का यह प्रभाव कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपको अपने वरिष्ठ लोगों और सहकर्मियों से प्रशंसा मिलने के योग बनाएगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो अच्छा मुनाफा कमाने और अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए यह समय आपके लिए अधिक उत्तम रहने वाला होगा। कर्क राशि के जातकों, नौकरी पेशा जातकों के लिए ये अवधि कष्टदायक सिद्ध होगी, क्योंकि इस समय कार्यस्थल पर आपको बॉस व वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधित कई प्रतिकूल परिस्थितियों से दो चार होना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो उच्च स्तर का मुनाफा हासिल करने में आपको समस्या आने की आशंका है। सिंह राशि के जातकों, कैरियर के लिहाज से आपको कुछ अवांछित यात्रा या किसी प्रकार के स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है और इससे आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में बाधा आएगी। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी आपको इस समय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना असंभव सा प्रतीत हो सकता है। कन्या राशि के जातकों, आप कार्यक्षेत्र में अपने काम में अच्छा प्रदर्शन देंगे और इससे आपकी मेहनत को सही प्रोत्साहन मिल सकेगा। कई जातक इस कारण कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त करते हुए अच्छा प्रमोशन भी हासिल करेंगे। तुला राशि
तुला राशि के जातकों, नौकरी पेशा जातकों पर इस समय अतिरिक्त दबाव रहेगा और ये दबाव ही आपके लिए चिंता का बड़ा कारण रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भी ये समय आपको उच्च लाभ नहीं होने के योग बनाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों, आप कार्य क्षेत्र अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहेंगे और यही आपके लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण रहने वाला है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो भी आप मुनाफे से संबंधित उच्च परिणाम प्राप्त करने में अक्षम रहेंगे और कई जातकों को व्यापार में कुछ हानि भी संभव है। धनुराशि, धनुराशि के जातकों, कार्य क्षेत्र पर काम का अधिक दबाव होगा और साथ ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं, जिसके कारण आप कड़ी मेहनत व अच्छा प्रदर्शन देने के बावजूद भी कार्यस्थल पर सही मान सम्मान हासिल नहीं कर सकेंगे और इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों, कार्यस्थल पर काम का उच्च दबाव आपकी चिंता बढ़ाएगा। वहीं व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए इस अवधि में धैर्य रखना ही सबसे अधिक बेहतर विकल्प रहने वाला है, क्योंकि यह समय आपको कोई बड़ी सफलता दिलाने के लिए उम्मीद से कम अनुकूल रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों, नौकरी पेशा जातकों को नौकरी के नए अवसर मिलेंगे और इससे उन्हें खुशी की अनुभूति भी होगी। साथ ही कार्यस्थल पर आप जो भी काम करेंगे वो सफल होने से आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मान सम्मान, प्रोत्साहन और पदोन्नति भी संभव है। मीन राशि के जातकों, नौकरी पेशा जातकों पर अपनी नौकरी का अधिक दबाव होगा और साथ ही बॉस व अधिकारी भी उनकी समस्या बढ़ाने का कार्य करेंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो भी आपको अधिक सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये समय आपको व्यापार से संबंधित कुछ हानि होने की स्थिति बनाएगा। तो शुक्र की अस्त की स्थिति में आपकी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ने वाला है। उस प्रभाव को हमने बताया, तो अगर आपकी राशि से आपको सतर्क रहना बताया गया है तो आप जरूर इन 10 दिनों में सतर्क रहें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। क्योंकि ग्रहों के अस्त होने से ग्रहों की ऊर्जा कम हो जाती है, शुक्र के अस्त होने से हमारे मांगलिक कार्यों में बाधा आती है, रुकावट होती है और उन्हें नहीं करने की भी सलाह दी जाती है। आपने देखा होगा कई बार शुक्रास्त होता है 3 दिन का, 10 दिन का और सवा महीने का, और इस अवधि में कोई भी मांगलिक कार्य न करने की सलाह दी जाती है। तो इस समय जैसे कि धनु राशि पर सूर्य है, धनु संक्रांति चल रही है, तो धनु संक्रांति के चलते भी मांगलिक कार्यों का निषेध होता है और उसके साथ साथ शुक्र कास्त हो गया है जो कि मकर संक्रांति तक रहेगा, 14 जनवरी तक। तो इस अवधि में आप कोई भी मांगलिक कार्य ना करें, और कोई भी मांगलिक कार्य अगर करना चाहते हैं तो किसी वरिष्ठ से, किसी योग्य विद्वान से सलाह जरूर ले लें। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी हम मंगल कामना भी करते हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज और मुझे दें इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।